पर जो कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में आज फ्लाईओवर का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। विकास नगर के फोर लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा। खुर्रम नगर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। थोड़ी देर में मिनी स्टेडियम विकास नगर में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में आज फ्लाईओवर का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यह बड़ी जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां विकास नगर के फोर लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में नितिन गडकरी और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में मिनी स्टेडियम, अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में आज फ्लाईओवर का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, विकास नगर के फोर लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण होगा, जो कि काफी दिनों से काम चल रहा था। खुर्रम नगर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ नितिन संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है? कितनी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही तैयारियां किस तरह से हैं? देखिए, करीब 11 बजे का समय बताया गया है जब ये कार्यक्रम होगा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा लखनऊ की मेयर और कई और जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जो ये पुल बनाया गया है, जो फ्लाईओवर बनाया गया है, यहाँ की जनता हमेशा से ही जाम से जूझती रही है। और लखनऊ से सांसद है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो है इस वक्त केंद्र में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस समस्या को समझा था और एक लंबे समय से इसका काम चल रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है और आज उसका शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा उसी पुल से सटा हुआ एक और पुल का लोकार्पण जो है वो भी किया जाएगा, जो कि खुर्रम नगर चौराहे से गुजरता है। खुर्रम नगर चौराहे भी जाम से हमेशा से जूझता रहा है, तो उसको भी अब फ्लाईओवर के तहत रखा जाएगा, ताकि जो जाम की समस्या लोग झेलते आ रहे थे लंबे समय से, वो जाम की समस्या दोनों ही जगहों पर अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और राजनाथ सिंह जो कि सांसद है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो उन्होंने शहरवासियों को दिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहें, क्योंकि अब कुछ ही देर में आपको बता दें फ्लाईओवर का लोकार्पण